फोक्स, सो वेलकम एट सैंस मोटरशॉप करोलबाग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मोटरसाइकिल स्टोर पर। दोस्तों लास्ट वीडियो तो आपने देखा ही है एवेंजर की और इंटरसेप्टर की मॉडिफिकेशंस के बारे में, एंड आई एम श्योर कि वो आपको डिफरेंट और अच्छा लगा होगा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जो बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, जैसे कि हमारा कैनन एग्जॉस्ट या कोबरा मल्टीबैंड प्रीमियम एग्जॉस्ट या इंटरसेप्टर की कुछ कुछ डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, लेकिन काफी सारी चीजें सिमिलर निकल जाती हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए और क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाए जाए जो बिल्कुल यूनिक हो। दिल्ली में बिल्कुल ब्रांड न्यू एक नया इंट्रोडक्शन है, दिल्ली के अंदर आपको वो इजिली नहीं मिलेंगे, हमारे स्टोर में आपको मिल जाएंगे, और वो होंगी जावा की कुछ ऐसी लिमिटेड एडिशन एक्सेसरीज जो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मॉडिफिकेशंस के अंदर काफी टाइम से लगे हुए हैं और अलग अलग बाइक्स हमारे पास आती हैं, अलग अलग तरीके के काम हमारे स्टोर पर होते हैं। आजकल हमारे सामने आ रही है जावा, एवरीडे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दो तीन जावा तो आ ही रही हैं, और उनके लिए लोग कुछ मांग रहे हैं ऐसी लिमिटेड एडिशन चीजें जो हो बिल्कुल हटके, जो ना हो किसी और दूसरी जावा पर, ताकि रोड पर जब वो चल रहे हो तो अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी बिल्ड कर सके। तो आज मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ जावा की रेडिएटर ग्रिल, जो यहाँ मेरे सामने है। ये कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की रेडिएटर ग्रिल है दोस्त, जावा क्लासिक इसमें लिखा हुआ है। ये आपको साइड से कुछ ऐसी लुक देती है और कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की 304 फूड ग्रेड जिसको बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग गारंटी है इसकी रस्ट ना लगने की, जंग नहीं लगेगा, ऐसी ही लुक रहेगी। इसे आप सूखे कपड़े से साफ करेंगे, एक क्रोम पाउडर भी आता है उसे साफ करेंगे तो ये बिल्कुल शाइनिंग चमकता रहेगा हमेशा। तो ऐसी ही ग्रिल मिल जाती है यहाँ पर हमें जावा की 42 की। तो ये है जावा क्लासिक, ये है जावा 42, और प्राइस बहुत ज्यादा रीजनेबल है, बहुत नॉमिनल है। आप हमारे स्टोर पर आए, चेकआउट कीजिए, पीछे काफी सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और सभी के सभी बहुत ही रीजनेबली प्राइस है। तो ये थी पहली रेडिएटर ग्रिल जो आपने देखी होगी, एंड आई एम श्योर कि आपने और बाइक्स में भी देखी होंगी, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने वाली है। सो दोस्तों वीडियो के अंदर आपने देखी अभी रेडिएटर गार्ड, एक रेडिएटर ग्रिल भी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा कॉमन प्रोडक्ट है, मिल जाता है मार्केट में इजीली, बहुत दुकानों पे अवेलेबल है। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ई शेप के ये लेग गार्ड्स इजीली नहीं मिलते दोस्तों। स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है इसकी, स्टेनलेस स्टील मटेरियल है, ब्लैक पाउडर कोटिंग है, स्टेनलेस स्टील भी मिल जाएगा, इस तरीके से फिट होगा आपकी बाइक पे और पूरी प्रोटेक्शन देता है कि बाई चांस अगर बाइक गिर जाए कभी तो टैंक को और हैंडल बार को बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट देगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा, और आपका ध्यान तो इनफैक्ट रखेगा ही। तो ये है वो लेग गार्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, और ऐसा ही मिलता जुलता लेग गार्ड मार्केट में मिल जाता है जो कुछ कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि दोस्तों रेगुलर और प्रीमियम दोनों ही तरीके के प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ना रेगुलर चीजें जो है ना वो बिल्कुल सदाबहार डिजाइन होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि जावा के अंदर आपने बहुत ऑनलाइन फोटोग्राफ देखी होंगी इस तरीके की, जिसमें आपको ऐसे लेग गार्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप डिफरेंट चाहते हैं तो ई शेप के लगवाइए, अगर ये चाहते हैं तो ये लगवाइए। ये भी स्टेनलेस स्टील है, लाइफ लॉन्ग की गारंटी है, क्रोम प्लेटिंग नहीं है, क्योंकि क्रोम प्लेटिंग कोई भी लेग गार्ड ना ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, कभी भी कोई भी चीज लें, इनफैक्ट लेग गार्ड की अगर मैं बात करूं, कोई भी लेग गार्ड लें तो या तो आप रोप वाला लीजिए या ब्लैक लीजिए या फिर PU रबड़ वाला लीजिए, जो हमारा यहाँ पर स्पेशल एडिशन 8 बैंड लेग गार्ड है जो हमारा बेस्ट सेलर है, उसे ट्राई कीजिए, या फिर सीधा ही स्टेनलेस स्टील लीजिए, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस इजी होती है, टेंशन नहीं होती है, बाइक पे लगा हुआ अच्छा भी लगता है, कभी पुराना नहीं लगता, साल बाद भी देखोगे तो बढ़िया लगेगा। तो ये था लेग गार्ड। अब बात करते हैं यार जावा की सीट के बारे में। सीट बड़ी छोटी है, अनकंफर्टेबल है, मजा नहीं आता है। बाइक तो छोटी है लेकिन छोटी होने के कारण कुछ फायदे भी हैं उसके, बाइक चलाने में बहुत बढ़िया है, बहुत इजीली मैनूवर कर सकते हो, फास्ट है, अच्छी है, आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन बात आती है ना जब सीट की तो सीट बहुत हार्ड है, और उससे भी बड़ी बात बैकरेस्ट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो बैकरेस्ट भी बहुत तरीके के आ गए हैं मार्केट में, कुछ आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखे जो एक कैरियर वाला बैकरेस्ट है, लेकिन वो फिर थंडरबर्ड और जावा में, थंडरबर्ड और इंटरसेप्टर में भी आता है, तो फिर कॉमन हो गया। तो फिर हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ डिफरेंट लॉन्च किया जाए, तो इस बार ही हम एक डिफरेंट सा प्रोडक्ट लाए हैं
जो है जावा का बैकरेस्ट, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से हैं, एग्जॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडल बार्स की करते हैं, तो हमारा एक नेटवर्क है और मैन्युफैक्चरर्स के साथ जहाँ से हमने ये प्रोक्योर करें, और इतनी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों कि आप एक बार ये हाथ में पकड़ेंगे ना, आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे और अपनी बाइक पे जरूर लगवाएंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप सब लोगों का, और आपको दिखाता हूँ ये बैकरेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बैकरेस्ट कुछ कुछ इस तरीके की लुक देता है दोस्तों, ऐसी इसकी लुक है। टॉप से आपको ये लुक आएगी और ये जावा पर डायरेक्ट फिट हो जाएगा। इसके ऊपर लग जाता है इस तरीके का एक सीट हैंडल, ताकि पीछे एक तरीके की ग्रैब रेल बन जाए, पीछे कोई बैठा है तो वो इस हैंडल को पकड़ ले, बाय चांस पीछे गिर ना जाए, और सेंटर स्टैंड पे लगाने में भी काफी इजी होता है। तो ये इस तरीके की लुक आती है इस बैकरेस्ट की, ठीक है जी। और ये डायरेक्टली फिट हो जाता है, अगेन स्टेनलेस स्टील का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेट बहुत अच्छा है यार, लाइफ बहुत अच्छी है। ओवरऑल देखिए चीज वो लगवाइए जो जल्दी खराब ना हो, क्योंकि क्या होता है ना यार, सस्ता ढूंढ रहे हैं हम, फलानी चीज इतने की मिल जाए, कुछ इतने का मिल जाए, कोई अगर 1000 का दे रहा है तो जी हमें 800 का चाहिए, जी हमें 500 का चाहिए, फिर चीजें आती भी हैं। बट अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, बाइक है आपकी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की, चीज आप लगाएंगे उसमें एक रीजनेबल, उसकी लाइफ क्या होगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने। दोस्तों चीज ऐसी लगाओ ताकि बाइक को रोज रोज खोलना ना पड़े, एक बार ही लगे तो उसे आप यूज करें, और उसको जब उसका टेस्टिंग टाइम है, जब आप किसी राइड पे जा रहे हैं या आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वो चीज टूटे ना, वो चीज खराब ना हो, वो चीज जंग ना खाए। तो ये वो चीज है, इसलिए स्टेनलेस स्टील की चीजें ही लॉन्च हो रही हैं अब, और काफी अच्छे वेट में हो रही है। इसमें 12 गेज की शीट लगी हुई है, प्रॉपर इसकी फिनिशिंग है, बफिंग हो रखी है, यार और क्या चाहिए। प्राइस भी दोस्तों ज्यादा नहीं है, स्टोर पर आएंगे यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट्स चलते हैं, यहाँ पर आपको संदीप मिलेंगे, कपिल मिलेंगे, जो कि आपको पूरा पूरा गाइड करेंगे एक एक प्रोडक्ट के बारे में और क्या चीज आपकी बाइक पर अच्छी लगेगी। तो मैं ज्यादा देर नहीं लगाता और बात करता हूँ अगले ब्लैक कलर के इस बैकरेस्ट के बारे में, जो सेम डिजाइन है, स्टेनलेस स्टील आप देख चुके हैं, अब आप ब्लैक में देख रहे हैं। इस तरीके से लुक आएगी बाइक के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कैमरे में दिख रही होगी कि इसकी लुक किस तरीके से आएगी। यहां पर आ जाएगी सीट, और ये आ गया बैकरेस्ट, और ये आ गया ग्रैब रेल। तो टोटली ये कंप्लीट प्रोडक्ट है अपने आप में, ज्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपए के अंदर अंदर में ही काम हो जाएगा। जी हाँ सही सुन रहे हैं, 1000 रुपए के अंदर अंदर में ही काम हो जाएगा, क्योंकि 200-400-500 रुपए की आइटमें बहुत है मार्केट में, हमारे पास भी शायद मिल जाएंगी, बट फिर वही बात, चलेगी कितने दिन। यार चीज ऐसे लगाओ जो चले बस, क्योंकि वही चीज है, मैं आज तक यूज करता आया हूँ, और इसीलिए आज तक बाइकिंग कर रहा हूँ, और इसीलिए अभी एक नेपाल की राइड करके आया हूँ, जिसमें जो शायद आने वाले दिनों में अब आप उसके ब्लॉग्स देखते रहेंगे, किस तरीके से वो जर्नी रही, क्या क्या मैंने वहां किया, क्या क्या मैंने वहां देखा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे लास्ट टाइम यूरोप का सीन दिखाया था, इस बार आपको नेपाल का सीन दिखाएंगे, क्योंकि तब एक कसम खाई थी कि पूरी दुनिया का मोटरसाइकिलिंग सीन दिखाना है, तो एक ब्रेक आ गया था, क्योंकि यहाँ पे स्टोर पे थोड़े से बिजी हो गए थे, आप सब लोगों से मिलना बहुत जरूरी था, तो अब सोचा कि चलो नेपाल का सीन दिखाते हैं। तो बात कर लेते हैं वीडियो की, तो वीडियो में आपने बैकरेस्ट देख ली है, अब आगे बढ़ता हूँ और लास्ट बैकरेस्ट की बात करता हूँ। दोस्तों यार ये एक ना ऐसी चीज है, बचपन में एक आपने चेयर देखी होगी जो ऐसे घूमती थी, इस पे बैठ जाते थे, रिवॉल्विंग चेयर होती थी, ये कुछ कुछ इसी तरीके का है। आप देख रहे हैं ये इस तरीके से हिलता है, पर इसका पर्पस ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इसका जो डिजाइन एलिमेंट है ना, जो यहाँ से ये कर्व आ रहा है, और जो ये लुक आ रही है, जो इसमें होल्स कटे हुए हैं, बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की लुक देता है। मतलब बाइक के ऊपर लग गया ना एक बारी, तो यार पीछे से लुक ही देख लो, बाइक पर एक बारी लग गया ना तो मुड़ मुड़ के लोग देखेंगे कि भाई लगाया क्या है, क्योंकि ये है स्टेनलेस स्टील का, लाइफ लॉन्ग गारंटी तो हो गई, एक चीज खराब होना नहीं, कलर जाना नहीं, और लुक इतनी शानदार आ रही है। बैकरेस्ट का बैकरेस्ट मिल गया, और पूरा पीयू फोम का है ये, ऐसा नहीं है कि लकड़ लगी हुई है उसके आगे कुछ रबड़ लगा है, ये पूरा हार्ड शेल, ये अपने आप में एक पीयू फोम है, कोई फोम लगा के कपड़ा नहीं चढ़ाया हुआ, ये ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर, ऐसी ही लुक रहेगी जिंदगी भर। प्रीमियम चीज है, एक बार ही लगाओ, 2 लाख की बाइक है, की चीज लगाओ तो मजा आएगा। इसी के अंदर अगर ब्लैक चाहिए तो ब्लैक भी मिल जाएगा, कोई भी चीज, या तो क्रोम आती है, ब्लैक आती है, क्रोम को अब हमने साइड कर दिया थोड़ा सा, ये क्रोम टिकेगा नहीं। स्टेनलेस स्टील लो या ब्लैक में लो, इस तरीके की लुक आएगी, डिफरेंट डिफरेंट लुक आएगी। तो ये सब चीजें, इसी तरीके के प्रोडक्ट्स अब आपको हमारे स्टोर पर दिखते रहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट लाते रहेंगे, आप सब लोगों को बताते रहेंगे, तो हमें भी काफी मजा आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूँ लास्ट में एक बैकरेस्ट की, जो है बड़ा ही सिंपल। ये बेसिकली सीट हैंडल है, इसको बैकरेस्ट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई गद्दी नहीं है, ये एक सीट हैंडल है, राउंड में स्टेनलेस स्टील की फिनिश है,
बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है लेकिन बिल्कुल सदाबहार डिजाइन है। अगर घर में आपके फादर या चाचा जी या और भी लोग बाइक चलाते हैं और एक कॉमन बाइक है कि आप भी चलाते हैं, आपके पापा भी चलाते हैं, तो यार कुछ इस तरीके की चीज लगा लो, सभी एज ग्रुप्स में सूट करती है और बहुत बढ़िया रहता है। और इस वीडियो के दौरान ही मैं आपको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो आपने जो देखा होगा मॉडिफिकेशन वाले एग्जॉस्ट के बारे में, जिसमें आपने हमने आपको दिखाया बैरल एग्जॉस्ट, इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एग्जॉस्ट इंटरसेप्टर और जावा के लिए भी आने वाले हैं, आने वाले दिनों में लीगल होंगे, मीडियम आवाज होगी, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा सा ना बदल रहा है, लाउड आवाज ज्यादा नहीं पसंद है लोगों को, मीडियम आवाज में अच्छे अच्छे साइलेंसर आएंगे। और जावा के भी साइलेंसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको इस विंडो के अंदर दिख रहा होगा कि किस तरीके की उसकी लुक थी। तो चलो थोड़ी सी उसकी आवाज भी सुन लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं और बात करते हैं कि अब इस वीडियो के बाद क्या क्या आने वाला है। छोटे से वीडियो में आपने देखा जावा के लिए कुछ लिमिटेड एडिशन एक्सेसरीज, रेडिएटर गार्ड, तरह तरह के बैकरेस्ट, तरह तरह के लेग गार्ड और एग्जॉस्ट। सो इसी तरीके के वीडियोस आने वाले टाइम में भी आते रहेंगे, क्योंकि अब ना हम कुछ इस तरीके चाह रहे हैं कि यार कुछ ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाएं, जिन चीजों को देख के हमारे अंदर एक वाओ निकलता है ना, मैं चाहता हूँ कि वो सब चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाऊं, ताकि आप अपनी बाइक्स पे लगाएं, आप अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करें और अपने ग्रुप में एक अलग सी पर्सनैलिटी बन के निकलें। कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो? अगर हमारे साथ कहीं भी कनेक्ट किया तो अभी के अभी लाइक कीजिए और अभी के अभी कमेंट करके हमें बता दीजिए। और अगर आपके किसी भी दोस्त के पास जावा है और वो मॉडिफाई करना चाह रहा है तो उसके साथ शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, अलग अलग चैनल्स पे शेयर, ग्रुप्स पे फॉरवर्ड करें। नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारे सोशल हैंडल्स पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा, जुड़े रहें, बने रहें, देखते रहें आपके अपने स्टोर को। थैंक्स मोरोशो। We'll be right back.